पापू जा आ रहा है। क्या आप मुझे और गुगुबलो को नया डेट खरीद कर नहीं देंगे? गुगु बेटी, मैं तो इनकम नहीं करती हूँ, तुम्हारा डैडी इनकम करता है। तो जब डैडी को सैलरी मिल जाएगा तब मैं तुम दोनों को ड्रेस खरीद कर दूंगी। लेकिन मम्मा, मेरे थाले बैंड का 3 साल डेट हो गया है, लेकिन मेरा एक भी डेट नहीं हुआ है मम्मा। गुगु बेटी, सैलरी नहीं मिला है तुम्हारी डैडी को, जब मिल जाएगा मैं तुम्हें खरीद कर दूंगी ना बाबा। ठीक है मम्मा। दुगुबलो दुगुबलो, तुम्हें तो पता है ना, दुर्गा पूजा आ रहा है। तुम्हें पता है मेरे फ्रेंड ने 3 साल डेट खरीद लिया है, लेकिन मेरा एक भी डेट नहीं हुआ है अभी तक। गुगु सीस ऐसे दिल छोटा नहीं करते हैं, मेरा भी कोई ड्रेस नहीं हुआ है अभी तक। हाँ ठीक है दुगुबलो। गुगु बेटी ड्रेस खरीदने के लिए जिद कर रही थी। हाँ वो तो सही कही है, दुर्गा पूजा आ रहा है, हम सबका एक भी ड्रेस नहीं हुआ है अभी तक। डूडू जितना पैसा कमाता है उनमें से हम सबका खर्च तो चल जाता है, लेकिन अगर हम सबको कोई भी एक्स्ट्रा चीज खरीदना होता है तब बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाता है। वुँ वुँ, मैं घर आ गया हूँ। डूडू, क्या तुम्हें सैलरी मिला है? नहीं मिला है बुबू, तुम्हें तो पता ही है मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ। अब तो बस 9 तारीख ही हुआ है, मुझे तो सैलरी 15 या फिर 16 तारीख को मिलता है बुबू। हाँ डूडू, मुझे तो सब कुछ ही पता है, लेकिन मैं बुग्गू को शायद ठीक से नहीं समझा पा रही हूँ। क्यों बुबू, क्या हुआ है बता मुझे। एक्चुअली डूडू, दुर्गा पूजा है तुम तो जानते ही हो, इसलिए बुग्गू जिद कर रही थी कि उसे न्यू ड्रेस चाहिए। उसका सब फ्रेंड ने 3 से 4 ड्रेसेस खरीद लिया है और बुग्गू का एक भी ड्रेस नहीं हुआ है, इसलिए वो बहुत ही उदास है। अच्छा बुबू, तुम अब इतना भी मत टेंशन लो, जब सैलरी मुझे मिल जाएगा तब मैं बुग्गू को ड्रेस खरीद कर दूंगा। ठीक है डूडू, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना पका कर तुम्हें खाना सर्व करती हूँ। ठीक है बुबू। मुझे लगता है कि मुझे भी कोई काम करना चाहिए ताकि मैं डूडू को हेल्प कर सकूं। लेकिन मैं क्या काम करूंगी, मुझे तो कुछ भी ठीक से नहीं आता है। अच्छा अब मुझे कुकिंग करनी पड़ेगी ठीक से, मैं अच्छे से कुकिंग करके डूडू को खाना सर्व कर देती हूँ। बुबू तुम खाना नहीं खाओगी क्या? नहीं डूडू, आज मुझे भूख नहीं लग रही है, तुम खाना खा के सो जाओ। ओके बुबू। अगर मैं कोई काम करता तो मैं बुबू को उसकी सब कुछ फेवरेट चीज खरीद कर दे पाता। बुबू चलो मुझे किसी दो। नहीं डूडू, आज मैं तुम्हें किसी नहीं दूंगी, तुम चुपचाप सो जाओ। अरे बुबू तुम्हें क्या हुआ है, तुम बताओगी क्या मुझे? तुम खाना भी नहीं खाए हो, अब तो मुझे किसी भी नहीं दे रही हो, क्यों क्या हुआ है बुबू? डूडू मैं सोच रही थी कि मैं कोई काम करूंगी। बुबू तुम क्या काम करोगी, तुम्हें खाना और सोने के अलावा और कुछ भी नहीं आता है। डूडू तुम मुझे ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते हो, मैं खाती हूँ ज्यादा ये मुझे पता है, लेकिन मैं अगर सोचूंगी कि मुझे कुछ करना है तो मैं वो काम करके ही रहूंगी।
अच्छा अच्छा ऐसा बात है क्या? ठीक है तुम सोच लो बुबू, मुझे तो बहुत ही ज्यादा नींद आ रहा है, मैं अब सो जाता हूँ। हाँ डूडू, तुम चुपचाप से सो जाओ, यही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हेलो गाइस, होप ये वीडियो तुम सबको बहुत ही पसंद आई है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ही मत भूलना, और अगर तुम इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास ही पहुंच सके। वीडियो को लाइक करो, बहुत बहुत शेयर करो, और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।